नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी फैमिली? आई हो आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और पहाड़ों में धूप आ चुकी है। सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग उठे हैं नहीं उठे हैं हमें कमेंट में शेयर करिएगा। और कल का हमारा ब्लॉग देखा कि नहीं देखा? खूबसूरत डोल आश्रम का टूर, अगर नहीं देखा तो ऊपर भी लिंक दे रहा हूँ। तो सभी लोग पहाड़ में उठ चुके हैं, लगभग लगभग हर कोई उठ जाता है धूप आने से पहले। तो पहाड़ों का जनजीवन शुरू हो चुका है, तो हम भी अपना आज का जो हमारा डे है उसको शुरू करते हैं। जाना है मजेड़ा साइड और देखना है, 2-3 दिन से गया नहीं हूँ तो किस प्रकार का वहाँ पर काम हुआ है, कितना काम हुआ है। तो चलते हैं, उसी के सिलसिले में कुछ आपको दिन भर ब्लॉग दिखाता हूँ और दिन भर पहाड़ों से मौसम दिखाऊंगा और बहुत कुछ बातें होंगी आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, घर से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कसैलिंग मार्केट। ये है कसैलिंग मार्केट और ये है सुबह का व्यू कसैलिंग मार्केट से, और सामने मुक्तेश्वर घाटी के पास में दिखता है हिमालय। काफ़ी सुंदर हिमालय देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो मैं निकलूंगा यहां से चखुटा के लिए। तो दोस्तों, चखुटा पहुँच चुका हूँ और सुबह का मौसम देखिए, सुबह का खूबसूरत दृश्य यहाँ से देखिए। बढ़िया धूप खिली हुई है, बढ़िया सनराइज हो चुका है पहाड़ों में। और यहाँ पर चल रहा है हमारे रिटेनिंग वॉल का काम, आप देख सकते हैं। रिटेनिंग वॉल लगभग कंप्लीट होने वाली है चखुटा साइड की, और इस साइड बुनियाद खोदी जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी एक रिटेनिंग वॉल आएगी। तो अभी काम सुबह का टाइम है, काम स्टार्ट हो चुका है। दीवार पे सबसे पहले करी जा रही है तराई, जो कि ज़रूरी है सुबह के टाइम में सीमेंट की मजबूती के लिए। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं मजेड़ा साइड पे और यहाँ पे देखिए कितना काम हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। अगर पिछले ब्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे तो शुरुआत से मैंने यहाँ पे बहुत सी वीडियो डाली हैं किस तरह से हमने यहाँ पे शुरुआत की थी। और मेरे पीछे जो ये आप रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं, एक पार्ट कम्प्लीट हो चुका है पहले ही, जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई थी, और दूसरा पार्ट अभी चल रहा है। ये भी लगभग 1.5 या 2 फीट इसकी चिनाई हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा नीचे जाके फ्रंट से दीवार का लुक दिखाता हूँ, किस प्रकार से दीवार की लुक अभी आ रही है। तो ऊपर से देखने में कुछ इस प्रकार की लुक आ रही है। पहला पार्ट ये जो पूरा हो चुका है, ये चिनाई आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट लगभग ये चिनाई हो रहा है, ऊपर से लगभग 2 फीट इसकी चिनाई हो चुकी है। और अभी कॉलम भरे जाएंगे और साथ में ऊपर से हल्का इस पर मसाला बिछाया जाएगा ताकि दीवार मजबूत रहे। मसाला यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है और ऊपर अभी रोड से मसाला लाया जा रहा है, यहाँ पर इकट्ठा करा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, रिटेनिंग वॉल पे मैं मसाला फिलअप करा जाएगा और कॉलम भरे जाएंगे। तो नीचे चलता हूँ, मैं वहाँ से आपको दीवार की लुक दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ दीवार के सामने की तरफ और दीवार की लुक कुछ इस प्रकार से आ रही है। ये वाला पार्ट हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट अभी यहाँ पे चिनाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर लगभग 2 फीट इस पर चिनाई हो चुकी है, जिस पर अभी मसाला DPC करा जाएगा और साथ में कॉलम भरे जाएंगे। उसके बाद बनाया जाएगा ये तीसरा पार्ट, इन्हीं के लेवल जो ये पहला वाला पार्ट है इसी के लेवल आएगा। तब जाके पूरा ऊपर देखिए, ऊपर जो मिट्टी है वो काटी जाएगी, तब जाके पूरा एक फ्लैट यहाँ पे प्लॉट निकल के आएगा। तब जाके आप बढ़िया समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पे घर बनाना है। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है और व्यू कुछ ऐसा आ रहा है दोस्तों। अभी दोपहर के समय में काफ़ी खूबसूरत व्यू है, खुला हुआ व्यू है, हल्के हल्के क्लाउड आसमान में छाए हुए हैं, काफ़ी लाजवाब अच्छा और खूबसूरत व्यू आ रहा है। और नीचे खूबसूरत खेत जिन पर गेहूं बोए हुए हैं, जो कि जमाई हल्का हल्का स्टार्ट हो चुकी है उस कोने में। ये देखिए उस कोने में हल्का हल्का स्टार्ट हो चुकी है गेहूं की जमाई। तो पूरे में जब गेहूं जम जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लुक आएगी। तो ये कुछ नज़ारा है दोपहर के समय में पहाड़ों से और ख़ास तौर पर मजेड़ा गाँव। अभी आ चुका हूँ मैं प्लॉट के दूसरी तरफ। अब आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर प्लॉट जो आपको बाद में है समझ में आएगा। जो पहले रिटेनिंग वॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरा एक लेवल आ जाएगा जो पहले वाली आप रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं उसके लेवल के बराबर। तो पूरे में यहाँ पर फिलअप करा जाएगा मिट्टी, और एक नींव यहाँ पर खुदी है, एक रिटेनिंग वॉल यहाँ पर आएगी। तो पूरा यहाँ पर फिलअप करा जाएगा मिट्टी से। जब पूरी रिटेनिंग वॉल उठ जाएंगी तो पूरा एकदम ये चौकस चौरस एकदम बढ़िया निकल जाएगा, जैसा कि आपको शहरों में देखते हैं कि एक प्लॉट सा आपको नज़र आता है, कुछ इस प्रकार का प्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, धीरे धीरे काम चला हुआ है, मैं लगातार इसके वीडियो डालते रहूँगा। और आप लोगों को कैसे कैसे लग रहे हैं हमारे चैनल के वीडियो, हमारे चैनल के डेली ब्लॉग, हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये कुछ व्यू आता है इस प्लॉट से बैक साइड का, खूबसूरत जंगल है ऊपर, बढ़िया खूबसूरत लुक आता है क्योंकि जंगलों के बीच में है, शांति तो है ही,
बढ़िया रोड से लगा हुआ प्लॉट है और सामने में एक होम स्टे यहाँ पर भी बना हुआ है, बढ़िया जंगल है ऊपर। तो फ्रेंड अभी आ गया हूँ मैं रोड में और रोड से देखें मेरे पीछे मसाला यहाँ से लेके जा रहे हैं नीचे, और नीचे मसाला बनाया जाएगा, फिर जाके डीपीसी करी जाएगी और कॉलम भरे जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं यहाँ पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत होम स्टे यहाँ पे, और बगल में यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हमारा पानी का स्रोत था जो हमने बनाया हुआ था, वो पूरा सूख चुका है क्योंकि कुछ दिन की नमी के कारण यहाँ पे वो बच गया था, तब पानी दिखाई दे रहा था, तो अभी सूख चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ पानी के स्रोत के क्या हाल है। दोस्तों यहाँ पे हमने बनाया हुआ था गड्ढा क्योंकि यहाँ पे पानी के आसार लगे थे हमें, और पानी हमें मिला भी करीब एक दो महीने तक हमारा यहाँ पर भरपूर काम चला है पानी ने, लेकिन अभी पानी एकदम सूख चुका है आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी रोड से नीचे देखने में साइड को देखने में कुछ इस प्रकार की लुक आ रही है, नीचे रिटेनिंग वॉल आपको दिख रही होगी पूरे रोड से, अभी इस लेवल तक सारी रिटेनिंग वॉल, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी अगर रिटेनिंग वॉल बन जाएगी और ऊपर से मिट्टी कटान होकर नीचे उस पर भरेगा, तो आप आइडिया लगाइए कि किस प्रकार का प्लॉट निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ों में काम होता है, लैंड को डेवलप करना पड़ता है तब जाके लैंड पर बढ़िया घर बनता है। मैंने कई बार बताया है एकदम से लैंड कैसी है आप समझ नहीं पाते हैं कि लैंड को किस प्रकार डेवलप करना है, किस प्रकार उस पर काम करना है। तो खूबसूरत व्यू है अभी मजेड़ा के गांव से, क्योंकि दोपहर का समय है, 3 बजे का समय है, बढ़िया व्यू के साथ, और काम हमारा चला हुआ है नीचे आप देख सकते हैं। तो काम हमारा स्टार्ट हो चुका है, मसाला रेडी कर लिया और नीचे कॉलम फिलअप करने स्टार्ट हो गए हैं, कॉलम भरे जा रहे हैं, और देखिए अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा लुक किस प्रकार की आती है। और अभी मौसम दिखाता हूँ, शाम के समय में क्लाउड आ चुके हैं आसमान में बढ़िया, और व्यू देखिए काफ़ी बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दीवार कंप्लीट हो चुकी है, इस पे मसाला बिछाया जा चुका है और कॉलम भरे जा चुके हैं। तो दोस्तों अभी हो रहा है 4:30 का समय, और हमारी रिटेनिंग वॉल का जितना काम था आपने देखा वो पूरा हो चुका है, अब करी जा रही है कल की तैयारी, थोड़ा बहुत ऊपर से पत्थर यहाँ पे कल के लिए रख नीचे डाला जाएगा और कल उस पर फिर चिनाई होगी। तो ये कुछ नज़ारे हैं अभी शाम के समय पे, और इस प्रकार का काम यहाँ पर हुआ आज। तो दोस्तों शाम का समय है, 5 बजे बजने वाले हैं और छुट्टी का समय हो चुका है, मैं चलूँगा चौखुटा के लिए इस साइड से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चौखुटा साइड पे, यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल का काम आज कंप्लीट हो चुका है, पूरा फिनिश हो चुका है रिटेनिंग वॉल, ऊपर देख सकते हैं। अब इस पे डीपीसी रही है जो कल इस पे डाली जाएगी, और बाकी इसकी चिनाई पूरी हो चुकी है। कुछ इस प्रकार की लुक आई चौखुटा रिटेनिंग वॉल की, आप लोगों को कैसी लगी, और मिट्टी यहाँ पर फिलअप करी हुई है, देखिए मिट्टी पीछे इसकी भरी जाएगी तो एक पूरा एरिया प्लंथ इनका निकल जाएगा, एक प्लॉट इनका बढ़िया निकल जाएगा, नीचे इनका गैरेज आ जाएगा, ऊपर घर आएगा। तो ये कुछ व्यू है शाम के समय का, मैं निकलता हूँ कसिया लेक के लिए। मैं आ चुका हूँ घर की तरफ को, और व्यू देखिए शाम के समय में खूबसूरत क्लाउड, और सनसेट हुआ है अभी, बादलों में भी उसकी चमक अभी रही हुई है, आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू, और सामने जो रंग बिरंगे से आपको टेंट दिख रहे हैं ये देखिए, यह है भलुवाड़ वाटरफॉल पर कैंप साइट, सामने एक होटल और सामने कसिया लेक मार्केट। तो चलते हैं घर की तरफ को, खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है अभी शाम के समय। चल दिया हूँ घर की तरफ, और यह है सामने थकुड़ बाबा टॉप, और इसी तरफ को सनसेट हुआ है। तो ये कुछ नज़ारे हैं अभी मेरे गांव की तरफ को, एकदम घर के पास में पहुँच चुका हूँ, यहाँ से लगभग 5 मिनट का रास्ता और रहा है, और ये लोग खेतों में गोबर की खाद डाल रहे हैं जिससे खेतों को भरपूर पोषक तत्व मिले, ये पहाड़ में हर लोगों के यहाँ होता है। तो ये हैं बेहतरीन नज़ारे शाम के समय में, पहाड़ों पे हो चुकी है दोस्तों, पहाड़ों में हो चुकी है शाम, और पूरा अंधेरा लगभग हो चुका है, और ऊंची ऊंची टीलियों में थोड़ा बहुत अभी उजाला है। तो ये है पहाड़ों का शाम के समय में मौसम, और देखिए मेरे पीछे आपको एक घर दिख रहा होगा दूर में, वहाँ भी लाइट पूरी जल चुकी है। तो इस प्रकार का दिन रहा आज का, आई होप आप लोगों को हमारा एक ब्लॉग पसंद आया होगा, इसी तरह के डेली कंटेंट मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ, ताकि अगर पहाड़ों के नेचर को आप पसंद करते हैं तो आपको अच्छा लगे, अगर मुक्तेश्वर में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपकी कुछ हेल्प हो। तो इसी तरह के डेली कॉन्टेंट मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ, आई होप आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, और जिस तरह अभी दे रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।